तो दानिश अलीए बहुजन समाज पार्टीए पक्ष विरोधी प्रवृत्ति में संडोवायेला होवाना कारणे पक्ष माथी सस्पेंड कर्या छे। आ कार्यवाही बाद दानिश अली कई पार्टी में जोड़ाशे ए विषे अटकळो शुरू थई गई छे। भाजपना सांसद रमेश भदुरीए संसद में दानिश अली विरुद्ध करेली टिप्पणी बाबते पार्टी सतत तेमनी गतिविधिओ पर नजर राखी रही हती। दानिश अली पक्षनी विचारधाराथी भटकी जवाना पगले पार्टीनो शीर्ष नेतृत्व तेमनाथी नाराज चाली रह्युं हतुं अने दानिश अलीए प्रतिक्रिया आपता कह्युं छे कि तेमणे क्यारे पण पक्ष विरोधी प्रवृत्ति नथी करी, हमेशा पछात अने वंचित लोको माटे अवाज उठाव्यो छे। शुं आ पक्ष विरोधी प्रवृत्ति छे? हुं बसपा सुप्रीमो मायावतीनो आभारी रहीश, परंतु आजे तेमणे जे निर्णय लीधो छे ते खूब ज दुर्भाग्यपूर्ण छे। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। मैंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की, किसान की, गरीब की, मजलूम की, पिछड़े वर्ग की, शेड्यूल कास्ट की, दलित की, अकलियत की, बेजुबानों की जुबान बनने का काम किया। अगर ये सब पार्टी विरोधी है तो मुझे पता नहीं। तो मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जणाव्युं कि अमारी टीम प्रदेश में मिशन 29 पर काम कर रही छे अने आ मिशन 29 हेठ अमे मध्यप्रदेश की तमाम 29 बैठकों जीतवा मांगीए छे। अमे उत्तरी भोपाल में आवेली विधानसभा बैठक पर जीत मेळवी शक्या नथी, परंतु लोकोनो आभार व्यक्त करवा माटे आव्या छे। जे लोको तपास एजेंसीओ सामे सवाल करता हता तेमनी पार्टीना सांसद भ्रष्टाचार में संडोवायेला निकळ्या। कोंग्रेसना सांसद धीरज साहूना घरेथी करोड़ों रूपयानी रोकड़ मळी आवी छे। कोंग्रेस पार्टी अने भ्रष्टाचार एक बीजाना पर्याय छे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एटले के एनआईए कर्नाटक अने महाराष्ट्र में कुल 44 स्थलों पर सर्च ऑपरेशन हाथ धर्या बाद पुणे माथी आईएसआईएस आतंकी संगठन साथे संकळायेला कथित षड्यंत्र में 13 लोकोनी धरपकड़ करी छे। महाराष्ट्र अने कर्नाटकनी पोलीस साथे मळीने केन्द्रीय तपास एजेंसीए महाराष्ट्र में आ कार्यवाही हाथ धरी छे। एनआईए कर्नाटक में एक, पुणे में बे, थाने ग्रामीण में 31, थाने शहर में 9 अने पयंदर में एक स्थले सर्च ऑपरेशन हाथ धरू हतु। धरपकड़ करायेला आरोपी अलकायदा और आईएसआईएस सहित प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने हिंसक उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित होवानु मानवामां आवे छे। तो दिल्ली पोलीस ने मोटी सफलता हाथ लागी छे। दिल्ली ना वीवीआईपी विस्तार में दिल्ली पोलीस स्पेशल सेल अने गैंगस्टर वच्चे एन्काउंटर थयुं हतुं, जेमां पोलीसे लॉरेंस बीशनो एक गैंगना बे शूटरोनी धरपकड़ करी हती। बन्ने शूटरोने दिल्ली पोलीसे क्राइम ब्रांच में लई जवामां आव्या हता, ज्यां बन्नेनी पूछपरछ करवामां आवी छे। सूत्रोमांथी मळती माहिती मुजब राजधानी दिल्लीना वीवीआईपी वसंतकूंज विस्तार में लॉरेंस बीशनो ना बे शार्पर शूटर छे तेवी माहिती पोलीसने मळता दिल्ली पोलीसना स्पेशल सेल तेमने पकड़वा माटे आ विस्तार में गया हता, ज्यां दिल्ली पोलीसना स्पेशल सेल अने लॉरेंस गेंगना शूटर साथे एन्काउंटर थयो हतो। आ एन्काउंटर दरमियान बन्ने तरफथी भाड़े गोळीबार थयो हतो अने आ एन्काउंटर बाद दिल्ली पोलीसनी क्राइम ब्रांचे गोल्डी ब्रा अने लॉरेंस बिश्नोई गेंगना बे शार्प शूटरनी धरपकड़ करी हती। आ बे शूटरोमां एक सगीर होवानुं जाणवा मळी रह्युं हतुं अने आ शूटरो विरुद्ध घणा जूना केस नोंधाया छे। बन्ने शूटरना नाम आकाश अने अखिल छे, जेओ हरियाणाना सोनीपत अने चरखी दादरीना रहेवासी होवानुं कहेવાઈ રહ્યું છે। પૂરા જો કમ્યુનિકેશન હે વો સોશિયલ મીડિયા એપ્સ કે થ્રુ હે, ફોન પે કોઈ બાતચીત નહીં હોગી। आप इनके फोन रिकॉर्ड कितने भी चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। एप्स के थ्रू भी जो हैंडलर होगा, उसका जो आगे हैंडलर होगा वो भी सुडो आइडेंटिटी होगी, उसका अपना असली नाम नहीं होगा। और इस तरह से जब एक पकड़ा गया तो दूसरे तक पहुंचना मुश्किल है। दूसरा पकड़ोगे तो उसको आगे के मेन हैंडलर की आइडेंटिटी नहीं पता। तो वो सब कनेक्शन हमने बना लिए हैं, लेकिन जो बीच की जो परतें हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। तो भाजपनी विधायक दलनी बैठक में मध्यप्रदेशना मुख्यमंत्री कोण बनशे विषे निर्णय लेवामां आवशे। 11 डिसेम्बरना रोज धारासभ्य दलनी बैठक योजवामां आवशे। भाजपना त्रण निरीक्षकों मनोहरलाल खट्टर, के लक्ष्मण अने आशा लाखरा धारासभ्य पासे अभिप्राय लेशे। ए पछी धारासभ्य दलनी बैठक में मुख्यमंत्रीना नामनी जाहेरात करवामां आवशे।
मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्माए कहू छे के पार्टी ना केंद्रीय निरीक्षक भोपाल पहुंचे। भाजप एक कैडर बेस पार्टी छे, नेतृत्व द्वारा लेवायेला निर्णयों कार्यकरो माटे बंधन करता छे। आ विषय केन्द्रीय नेतृत्व योग्य निर्णय लेशे। पार्टी आंतरिक सूत्रों जणाव्या अनुसार जो भाजप शिवराज सिंह चौहान ने बदले अन्य कोई ने सीएम तरीके पसंद करे छे तो अन्य पछात वर्ग एटले के ओबीसी श्रेणी माथी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनी शके छे। शिवराज मध्य प्रदेश सौथी लांबा समय सुधी सेवा आपता मुख्यमंत्री पण छे। आपको जानकारी के लिए 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑफिशियली विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक को आमंत्रण चला गया है और हमारे तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहां पहुंचेंगे और जो संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहां आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर द्रुत गति से जारी है इसे आगे बढ़ाने के लिए और 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ ना रायपुर में विधायक दल की बैठक 10 डिसेम्बर योजावानी छे। आ बैठक में विधायक दल ना नेता पसंदगी करवामां आवशे अने राज्य ना नवा सीएम ना नाम नुं पण जाहेरात करवामां आवी शके छे। भाजपना केन्द्रीय नेतृत्वए छत्तीसगढ़ माटे 3 निरीक्षकों की निमणूक करी छे, जेओ सीएम की पसंदगी करशे। केन्द्रीय प्रधान सर्बानंद सोनोवाल, केन्द्रीय प्रधान अर्जुन मुंडा अने भाजपना राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने निरीक्षक बनावामां आव्या हता। जे पैकी अर्जुन मुंडा अने सोनोवाल रविवारे छत्तीसगढ़ की मुलाकात लेशे। सीएमना नामनी जाहेरात बाद प्रदेश में सरकारनुं गठन करवामां आवशे अने एवुं मानवामां आवे छे के आ वखते भाजप आदिवासी नेताने राज्यनी कमान सोंपी शके छे। आगामी वर्षे योजानारी लोकसभानी चूंटणी पहेला भाजप देशना आदिवासी मतदारोने अने आदिवासी बाहुल राज्योने पण संदेश आपवा मांगे छे। बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। भाजप ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुमती मिली ए बात एक अठवाडियु पूरू थई गयु छे। जो कि भाजप हजु सुधी एक पण राज्य में मुख्यमंत्री नक्की करी नथी शकी, जेने लईने पार्टी में पण क्यांक आश्चर्य छे। जो कि अशोक गहलोत कटाक्ष करवानु पण चूक्या नथी। सामान्य रीते परिणामोना 2-3 दिवस में ज भाजप मुख्यमंत्री पदे कोने बेसाड़वा तेनो निर्णय लई लेतो होय छे, परंतु 3-3 राज्य में पूर्ण बहुमत मळ्यो अने अठवाडियो खेंचाई रह्यो, परंतु हजु सुधी छत्तीसगढ़, राजस्थान के मध्य प्रदेश में मुख्यप्रधानना नाम नक्की न थता आश्चर्य छे। तेनो मतलब पार्टी में तीव्र मतभेदो छे एवो कढ़ाई रह्यो छे। अशोक गहलोते तो कटाक्ष पण कर्यो के कांग्रेस 5-6 दिवस में मुख्यमंत्री अंगे निर्णय न लीधो होत तो भाजप बुमाबूम करी दीधी होत। भाजपना नेता पण क्यांक आ वात स्वीकारे छे के तेमनुं कहेवुं छे के हाईकमांड राजस्थानमां वसुंधरा राजे अने मध्यप्रदेशमां शिवराजसिंह चौहानने दूर करवा मांगे छे, परंतु बंने मचक आपता नथी। भाजप बंनेने नाराज करी शके तेम नथी, तेથી કોકડું ગૂંચવાયું છે। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो दिल्ली सरकारना मंत्री सौरभ भारद्वाजे जणाव्युं छे के जे लोको भाजपनी केन्द्र सरकार सामे सवाल पूछता हता तेमनी विरुद्ध कार्यवाही करवामां आवी रही छे। आ पार्टीना सांसद संजयसिंह जेलमां बंद छे, ज्यारे टीएमसीना नेता मौवा मोहित्राए सांसद तरीकेनुं सभ्यपद गुमाव्युं छे। सरकार मात्र तेमना विशे सकारात्मक वातो सांभळवा मांगे छे। जो कोई सकारात्मक वात करे तो तेओ बोलवानुं पण चालू राखी शके छे, परंतु जो कोई तेमनी विरुद्ध बोले छे तो तेमनी विरुद्ध कार्यवाही करवामां आवे छे। जे लोको सरकारने प्रश्न पूछवा बंद करी देशे तो तेना पगले देशना लोकोनुं नुकसान थशे। सांसद तरीके घणा व्यक्ति जनहितना प्रश्न मुद्दे सूचन करे छे अने महत्वपूर्ण मुद्दाने सदनमां पण उठावीए छे। कहा जा सकता है कि सरकार सिर्फ अपनी बड़ाई सुनना चाहती है। सरकार की आप बड़ाई कीजिए, सरकार के पक्ष में बोलिए तो आप बोलते रहेंगे। सरकार से सवाल पूछने वालों की जुबान बंद करने के सब हथकंडे जो हैं सरकार अपना रही है, और मेरा मानना यह है कि कुछ दिनों के अंदर अगर लोग सरकार से सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता का होगा, क्योंकि देश की जनता के सवाल जनता खुद तो नहीं पूछेगी कहीं से।
कांग्रेस पार्टी ने समीक्षा बैठक में हाजरी आपवा माटे अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचा था। भाजप पर आकरा प्रहार करता तेमणे कह्युं छे के विधानसभा की चूंटणी में भाजपे पोताना काम मुद्दे चर्चा करी नहीं, परंतु कन्हैयालाल की हत्या विषे बात करता रहा। भाजपे तनावनो माहौल सर्जीने ध्रुवीकरण कर्युं छे, माटे चूंटणी जीती गई छे। भाजपने पोल खुल्ली पड़ी गई छे। चूंटणीना परिणाम जाहेर थयाने 7 दिवस थई चूक्या छे, छतां मुख्यमंत्रीनो चेहरो जाहेर करी शक्या नथी अने तेओ पक्षमां शिस्त होवानुं कहे छे। सुखदेवसिंह घोघामेड़े हत्याकांड पर गहलोते कह्युं छे के सुखदेवसिंह घोघामेड़ेनी हत्या बाबते एनआईए द्वारा तपास सामे कोईने वांधो नथी। आ केसमां तपास में करी छे अने जो आ काम कोई नवा सीएमए करवानी जरूर हती, परंतु अठवाडियुं वीती गया छतां भाजप एक मुख्यमंत्रीनो चेहरो पसंद करी शकी नथी। हुं इच्छुं छुं के तेओ आ बाबते जल्दी निर्णय करे। तो भाजप विरोधी मोर्चा इंडिया में वधी रहेला मतभेदों, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे बोलावी फ्लोर लीडर्स की बैठक में विवाद सपाटी पर आ गयो छे। जोईए आ रिपोर्ट। સંસદના શિયાળુ સત્ર અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણીની રણનીતિ અંગે ચર્ચા માટે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓની બેઠક યોજાઈ। કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ બોલાવાયેલી આ બેઠકમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાનો કોઈ નેતા હાજર ન રહ્યો। તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પહેલાથી જ કોંગ્રેસ વિરોધી સૂર કાઢી રહી છે, પણ ઉદ્ધવની શિવસેના પણ હાજર ન રહેતા મહારાષ્ટ્રમાં નવા રાજકીય સમીકરણો રચાઈ રહ્યા હોવાના સંકેત મળી રહ્યા છે। કોંગ્રેસે એવો બચાવ કર્યો કે શિવસેના સેનાના નેતાએ બેઠકમાં ગેરહાજરી અંગે અંગત કારણ રજૂ કર્યું હતું। અલબત્ત તૃણમૂલ કોંગ્રેસની ગેરહાજરી અંગે કોઈ નક્કર કારણ રજૂ કરાયું નથી। વિપક્ષના નેતા માને છે કે ત્રણ રાજ્યની ચૂંટણીમાં મળેલી હારના પગલે કોંગ્રેસે નરમ બનવાની જરૂર છે, તેના બદલે કોંગ્રેસ હજુય પોતે બિગ બ્રધર હોય એ રીતે વર્તી રહી છે, તેના કારણે બીજા નેતા નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી। તેલંગણામાં એઆઈએમઆઈ પાર્ટીના પ્રમુખ ઓવેસીનાભાઈ અકબરુદ્દીને પ્રદેશની વિધાનસભાના પ્રોટેમ સ્પીકર બનાવવામાં આવ્યા છે, ત્યારે આ બાબતે ભાજપે વિરોધ નોંધાવ્યો છે। પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ જી કિશન રેડ્ડીએ જણાવ્યું છે કે અકબરુદ્દીન ઓવેસીએ પ્રોટેમ સ્પીકર તરીકેની નિમણૂક તેલંગણા વિધાનસભાના નિયમની વિરુદ્ધમાં છે। આ પદ ઉપર વરિષ્ઠ ધારાસભ્યોની નિમણૂક કરવાની પરંપરા હોય છે। ભાજપના ધારાસભ્યો પ્રોટેમ સ્પીકર હેઠળ શપથ લેવાને બહિષ્કાર કરશે। સ્પીકરની નિમણૂક થયા બાદ અમારા ધારાસભ્યો શપથ લેશે। અમે એઆઈએમઆઈએમ પાર્ટી સાથે ક્યારે ગઠબંધન નહીં કરીએ અને અમે આ મુદ્દે રાજ્યપાલ સમક્ષ પોતાની રજૂઆત કરીશું। ભારતીય જનતા પાર્ટી તેલંગાણા સ્ટેટને તય કિયા હૈ જો પ્રોટેમ સ્પીકર કા અપોઇન્ટમેન્ટ જો અકબરુદ્દીન કો નિયુક્ત કિયા ગયા હમ ઉસકો ખિલાફ કરે પ્રોટેસ્ટ ભી કરે क्योंकि सीनियर एमएलए से उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना वो विधानसभा का जो नियम है परंपरा है ये परंपरा के खिलाफ है। बात करवामां आवे तो भारत में फरी एक बार कोरोना नो पग पेसारो थई गयो छे, जेना पगले स्वास्थ्य विभाग पण दोड़तु थयु छे। विश्वभर में हाहाकार मचावनार कोरोनाना नवा केस आवता फरी एक बार चिंता वधी छे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जाहिर करायेला अपडेट डेटा अनुसार देश में एक दिवस में कोरोना 148 केस नोंधाया छे। आंकड़ा अनुसार दर्दीओनी संख्या वधीने 808 थई गई छे। उल्लेखनीय छे के सरकार द्वारा जाहिर करवामां आवेला आंकड़ा अनुसार अत्यार सुधीमां कोरोना वायरस चेपना कुल केसोनी संख्या 4,50,02,889 छे, ज्यारे मृतकोनी संख्या 5,33,306 छे। વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા કાર્યક્રમ હેઠળ દેશના નાગરિકો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ મારફતે સંબોધન દરમિયાન પીએમ મોદીએ જણાવ્યું છે કે જ્યારે મોદીની ગેરંટી સાથે વાહન કામમાં જાય છે ત્યારે ગામમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળે છે। લોકો તેમની પાસેથી માહિતી એકત્ર કરે છે, એ પોતે જ અદભુત છે। દેશભરના ગામડાઓમાં કરોડો પરિવારોએ અમારી સરકારી યોજનાઓનો લાભ ચોક્કસપણે લીધો છે અને જ્યારે લોકો યોજનાઓનો લાભ મળે છે ત્યારે એક આત્મવિશ્વાસ વધે છે। મોદીની ગેરંટી એટલે કે ગેરંટી પૂરી કરવાની ગેરંટી, દેશના યુવાનો પોતાની મહેનત થકી રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં સહભાગી બનશે અને દેશને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવશે। गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर
हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है, तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के सब मिलकर के अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। मैं एक काम भी देना चाहता हूं, अब जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहां से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। तो पीएम मोदीए विकसित भारत संकल्प यात्राना कार्यक्रममां वीडियो कॉन्फरन्स मार्फते जणाव्युं छे कि जे लोको कंई पूछता नथी तेने मोदी सौथी पहेला पूछे छे। आ देशमां दरेक गरीब व्यक्ति माटे वीआईपी छे, देशनी महिला युवानो मारा माटे वीआईपी छे। हालमां ज जारी करवामां आवेला विधानसभा चूंटणीना परिणामोए स्पष्ट दर्शावे छे कि लोकोए मोदीनी गेरंटी उपर विश्वास व्यक्त कर्यो छे। केटलाक राजकीय पक्षो समझी शकता नथी कि खोटा वचनो तेमने कई मेळवानुं नथी। चूंटणी सोशियल मीडिया उपर नहीं परंतु लोकोनी वच्चे जईने लड़वामां आवे छे। चूंटणी जीतवा पहेला लोकोनुं दिल जीतवुं खूब ज जरूरी छे। कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है वो 50 साल पहले ही पूरी गई हो गई होती। तो भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर दुबई में भारतीय विद्यार्थियों युवा साहसिकों तथा नौकरी करता लोको साथे मुलाकात करी हती। आ दरमियान विदेश मंत्री विदेश में रहता भारतीयों ने अपील करी छे कि तमे विश्व समक्ष देश की प्रगति दर्शावती बाबतों रजू करो और दुनिया ने बतावो कि भारत केवी रीते आगळ वधी रह्यु छे अने कया प्रकारना फेरफार जोवा मळी रह्या छे। छेल्ला 10 वर्षमां थयेली प्रगति विषे जाणकारी आपवामां आवे। ज्यारे आपणे विकसित भारतनी वात करीए छीए त्यारे आपणे नवा भारतनी वात करीए छीए। आ लाभो वास्तवमां तमने झड़पथी मळेल जरूरी छे अने चंद्र मिशन, सौथी झड़पी 5G टेक्नोलॉजी अने कोवेक्सिन निर्माणने पण महत्वपूर्ण मानवामां आवे छे। यू आर लुकिंग एट एवरीथिंग, यू आर रीडिंग एवरीथिंग, यू आर सेंडिंग एवरीथिंग, यू आर बाइंग इज इन्फॉर्मेशन, इज सम चॉइस, सम इंटरेस्ट, सम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी which is being expressed out there. Now, what it has also done is, it has erased, you know, that sense of that is a world outside and this is my home or my country or my society. Today, a lot of what we say doesn't, you know, there's no national boundary to what you have just searched on your phone. तो लोकसभानी चूंटणी पहेला पीएम मोदीए विविध राज्योमां विकास कार्योनुं लोकार्पण करी रह्या छे अने लोकसभा चूंटणी पहेला मतदारोने आकर्षवाना प्रयास पण करी रह्या छे। त्यारे मोदी सरकार हवे 5-day वीकनुं पण आयोजन करती होवानी चर्चा शुरू थई छे। जो कि नाणा मंत्रालय एक मूंझवणमां छे, जोईए आ अहेવાલ। ઇન્ડિયન બેંક એસોસિએશન અને યુનિયનો વચ્ચે બેંકમાં 5-day વીક માટે સમજૂતી થઈ છે। તેના પગલે નાણાં મંત્રાલય મૂંઝવણમાં છે। આ સમજૂતી ઉપર નાણાં મંત્રાલય મંજૂરીની મોહર મારે પછી તે અમલમાં આવશે। નાણાં મંત્રાલય મૂંઝવણ એ છે કે બેંકો 5-day વીક એટલે કે અઠવાડિયામાં 5 દિવસ કામની દરખાસ્તને મંજૂરી આપે તો કેન્દ્ર સરકારની તમામ કચેરીઓમાં 5-day વીકની માંગ ઉઠશે। સૂત્રોનું કહેવું છે કે પીએમઓ સાથે ચર્ચા પછી આ અંગે નિર્ણય લેવાશે, પરંતુ લોકસભાની ચૂંટણી હોવાથી મોદી સરકાર 5-day વીક કરીને કર્મચારીઓને ખુશ કરી શકે છે। બેંક એસોસિએશન અને યુનિયનો વચ્ચે સરકારી કર્મચારીઓના પગાર વધારા અંગે પણ સમજૂતી થઈ ગઈ છે। બેંક એસોસિએશન અને યુનિયને 5 વર્ષ માટે 17% પગાર વધારાની મંજૂરી કરી છે। બેંક કર્મચારીઓના પગારમાં 2022 થી વધારો થયો નથી, તેથી નાણાં મંત્રાલય આ દરખાસ્ત તથા પેન્શન રિવિઝનને ઝડપથી મંજૂરી આપી દેશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી। સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન વરિષ્ઠ વકીલ સિબ્બલે
आसाम विषय करेली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया आपता आसाम मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वाए जणाव्यु छे के जे लोको ने आसाम इतिहास विषे जानकारी नथी तेमने तेना विषे कई पण बोलवानी जरूर नथी। आसाम क्यारे पण म्यानमार मां सामेल नहोतो, मात्र थोड़ा समय माटे म्यानमार साथे घर्षण थयु हतु। हिम्मत शर्माए कह्यु छे के मैं क्यारे आ प्रकारनो कोई डेटा जोयो नथी। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह अने विदेश प्रधान एस जयशंकर सहित घणा नेताओनुं मानवुं छे के पूर्वोत्तरना राज्योमां अशांतिनुं मुख्य कारण गैरकायदेसर इमिग्रेशन घुसणखोरी छे। तो आ साथ ज बुलेटिन समाप्त करीशु, रजा आपसो, नमस्कार।